Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. I welcome you all to the YouTube channel of ISKCON Girls Forum East of Kailash. Today we are going to talk about, is suicide the last option? And to enlighten us on this topic, we have with us Her Grace Seetla Kirti Mataji. I request Her Grace Seetla Kirti Mataji to enlighten us about the topic. Hare Krishna. क्या आत्महत्या अंतिम विकल्प है? आज लोगों ने ये आम धारणा बना ली है कि आत्महत्या अंतिम विकल्प है और इसी कारण प्रतिवर्ष ना जाने कितने ही लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा बैठते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या आत्महत्या अंतिम विकल्प है। स्टूडेंट्स के एग्जाम में मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए, अंतिम विकल्प आत्महत्या। नौकरी छूट गई, परिवार चलाने में असमर्थ है, आर्थिक स्थिति खराब है, अंतिम विकल्प आत्महत्या। किसी ने घोर अपमान कर दिया, अंतिम विकल्प आत्महत्या। यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, अंतिम विकल्प आत्महत्या। और ना जाने ऐसे कितने ही कारणों का अंतिम विकल्प आत्महत्या। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने जब अपने ही सगे संबंधियों को अपने विपक्ष में खड़ा पाया, तब वह निराशा और चिंता के घोर अंधकार में आकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, हे केशव, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन मचल रहा है और मैं चारों ओर केवल दुर्भाग्य का कारण देख रहा हूँ। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं में केवल निराशाओं का अनुभव करता है, तब वह सोचता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई आई एम हेयर। और जब वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं ढूंढ पाता, तब वह आत्महत्या को अंतिम विकल्प मान लेता है। दुर्भाग्यवश निष्कर्ष यह निकलता है कि आत्महत्या को लोग अंतिम विकल्प मान बैठते हैं। डिप्रेशन को आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण समझा जाता है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन में था तो उसने आत्महत्या कर ली। किंतु श्रील प्रभुपाद के विषय में लिखते हैं कि आत्महत्या न्यायसंगत नहीं है, आत्महत्या घोर अपराध है, आत्महत्या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। यह विशिष्ट प्रकार का शरीर आपको प्रकृति ने कुछ अवधि के लिए दिया है और यदि आप इसे समाप्त करते हैं तो आप घोर अपराधी हैं, आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। आत्महत्या का प्रमुख कारण है कि हम अपने आप को यह शरीर मान बैठे हैं, जबकि वास्तव में हम एक आत्मा है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है। जिस प्रकार एक जेल से भागे हुए कैदी की सजा बढ़ा दी जाती है, उसी प्रकार यदि हम आत्महत्या करते हैं तो दुगनी सजा के पात्र हैं। कर्मों के बंधन से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। लोग सोचते हैं कि शरीर खत्म तो सारे दुख खत्म, किंतु ऐसा नहीं है। हमें जितने शरीर की अवधि मिली है, शेष अवधि हमें प्रेत योनि में तो काटनी पड़ सकती है, जो अत्यंत भयावह स्थिति है, अथवा हमें अगला जन्म निम्न श्रेणी में पशु योनि में मिल सकता है, जो अत्यंत दयनीय स्थिति है। अतः कर्मों के बंधन से कभी भी अब पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलधयन्ता को न शोष्यति मामता। अर्थात इस आत्मा को न किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। हम चाहकर भी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। प्राचीन भारत के महान ऋषि मुनियों के अनुसार हमारे गहरे असंतोष
और निराशा का कारण हमारा अपने ही आंतरिक स्वभाव को ना जान पाना है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और हम यहाँ क्यों हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की कमी ही आत्महत्या का महत्वपूर्ण कारण है। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवद्गीता के अनुसार भी जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर लेते तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ऐसे ही घूमते रहेंगे। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो इस जन्म को तो क्या हम अपने अगले जन्म को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए आत्महत्या अंतिम विकल्प तो क्या अपितु आत्महत्या तो कोई विकल्प ही नहीं है। हरे कृष्ण। शीतला कीर्ति माता जी, थैंक यू। आपने हमें मेंटल हेल्थ के बारे में स्क्रिप्चर्स के थ्रू इतना ईजली समझा दिया। और आप सब व्यूअर्स का भी शुक्रिया, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये चैनल 2020 सब्सक्राइबर्स का बन जाए इस 2020 साल में। ये सब हम आपकी सपोर्ट के बिना नहीं कर पाएंगे। हम वीडियोस अपलोड करते हैं हर मंडे और फ्राइडे। हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।